दोनों जा रहे हैं अभी पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करके आएंगे, पूरा राजस्थान। अब बड़े स्वादिष्ट हो रहे हैं यार, घूमने का मजा ऐसे ही है यार। अगर मैं जयपुर सिटी के अंदर है और ये मेरा तीसरा दिन है जयपुर में। अभी राजस्थान को एक्सप्लोर करने का जो है प्लान चेंज हुआ है, देखते हैं कितने दिन में कवर हो पाता है। तो अभी निकल रहे हैं हम, हमें खुद पता नहीं है अभी इससे कहाँ बाइक से हम दोनों जा रहे हैं भाई। अभी बाइक से जा रहे हैं, अब पहले भाई ट्रेन में जाता है, पता नहीं सात रोज जाता है, बाइक से जा रहे हैं दोनों भाई। मेरा नहीं था प्लान, अभी दोनों का प्लान हो गया है। 10-15 दिन देखते हैं, मतलब टेंट वगैरह है, इससे का खुद पता नहीं है कहाँ इससे करेंगे अभी, लेकिन देखते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोस्तों अभी निकले थे जयपुर से और अभी कहीं हम कुचामन सिटी जा रहे हैं, थोड़ा रह रखा है अभी, कम से कम होगा 15 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के आसपास है। तो उससे पहले हमने सोचा कि खाने का कर देते हैं कुछ, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है खाने में। और स्टे का भी कंफर्म नहीं हो, स्टे का देखते हैं अभी, सोचते हैं क्या पता कैंपिंग करेंगे या देखते हैं फिर। टाइम हो रहा है अभी शायद 7:30 बज रहे होंगे, 7:30 या 7:45 बज रहे हैं अभी। इस साइड काफ़ी पेड़ वगैरह है ना, तो ठंड ठीक ठाक है, अच्छी मज़ा आ रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। अभी खाना खाएंगे, एक ही रुके हैं ढाबे पे, तो थोड़ा पहले मोल भाव किया अच्छा, और अब रुक रहे हैं खाना, सब्जी बन रही है, मोबाइल यार ये नई चीज़ है, कुछ दिखाऊंगा आपको। तो ये भाई ये तुम्हारी सेव टमाटर, सेव टमाटर सब्जी और रोटी मंगाई है, रोटी धीरे धीरे गर्म गर्म मंगाएंगे, बाकी दाल वगैरह मंगाते हैं कुछ। दोस्तों भी खाना आ चुका है, गरम गरम रोटी, गरम रोटी और सब्जी, बस तेल थोड़ा ज़्यादा डाल रखा है, बाकी टेस्ट तो खाने के बाद बताऊंगा। लेकिन 8 बजे, और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा रुकने का भी कहीं नहीं ठंड में, मतलब ऊपर वाले के भरोसे हैं बस, बैठे हैं तुम्हारी दुआओं से। ये हाईवे में पड़ता है ये होटल, अच्छा खाना, 60 रुपये की सब्जी दे रहे हैं और 5 रुपये की शायद रोटी है, 5 रुपये पर रोटी है। सेव टमाटर थी, सेव टमाटर हाँ, लेकिन सब्जी अच्छी थी, मैंने सब्जी अच्छी थी, मस्त मजा आया यार, हाँ मस्त मजा आ गया। और अभी अब देखते हैं यार, रुकने का कुछ करना पड़ेगा रुकने का देखते हैं अभी, है ना, अभी फिक्स नहीं हुआ, अभी फिक्स नहीं हुआ कुछ, कोशिश करते हैं कि यहीं रुक जाए, देखते हैं कुछ मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ये अपना रूम था भाई, यहाँ बैग चप्पल हेलमेट, ये तो यार रूम। और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको थोड़ा, ठंड बहुत थी यार कल रात, ठंड तो ठीक ठाक थी, मतलब मैं दोनों जैकेट पहन के सोया, ये लगा लो। और यहाँ था, यहाँ खाना वगैरह खाया था, कुचामनी सिटी से थोड़ा पहले है ये, प्रॉपर नाम नहीं है यहाँ का मुझे पता। और आज थोड़ा बादल भी लग रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है बादल काफ़ी हैं। अभी फ्रेश वगैरह होने के लिए हमने ये डिसाइड कराया यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ फ्रेश वगैरह हो जाएंगे अपन लोग। हमने खाना पीना खा के डिसाइड किया कि यार हम रुकेंगे, वैसे हमारे पास कैंप तो था लेकिन हमने कैंपिंग की नहीं, वो रिक्वेस्ट करी थी भाई जैसे कि थोड़ा स्टे का अगर हो सकता है तो यहाँ पे खाट वगैरह पड़ी थी, जैसे हरियाणा में देखा होगा, यहाँ पे राजस्थान में वैसे बहुत सारी खाट है, यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट में आपको नॉर्मली खाट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो उन्होंने बोला ये खाट वगैरह ले लो और ये रूम में रह लो, तो हम वहीं रुक गए। अब यहाँ से निकलेंगे शायद, यहाँ से निकलेंगे 8-9 बजे के आसपास, और अभी मतलब डिसाइड तो नहीं किया है कहाँ प्रॉपर जाना है,
लेकिन यहाँ से मतलब राजस्थान पूरा कवर करने की सोच रहे हैं। जैसलमेर जाना है मतलब एंड तक, देखते हैं कितने दिन लगते हैं यहाँ से। जैसलमेर का हमारा मेन है, और एक हमें भाई मिलेंगे अभी, वो यहीं से हैं जयपुर, वो सॉरी राजस्थान से ही हैं, वो नागौर में मिलेंगे शायद। वो अपने गांव में बुला रहे हैं, लेकिन वो हमारे रूट में नहीं आ रहा है। बीच में वहाँ से हमें 40 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला है कि वो नागौर मिलने आ जाएंगे, शायद वो नागौर आ जाएंगे मिलने अगर हम उन्हें बोलेंगे तो। नागौर में देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, अगर आ जाएंगे तो ठीक, उनसे मिल लेंगे, दो चार मिनट उनसे बातें कर लेंगे, चाय वगैरह पी लेंगे वहाँ पे, और हो सकता है अगर प्लान हुआ तो उनके यहाँ भी चले जाएंगे। उनका नागौर में है श्री बालाजी गांव करके है, तो वहाँ चले जाएंगे, फिर देखते हैं जैसा भी प्लान होता है तो बताते हैं आपको। ये यार खुशामन सिटी और किला ये है जो आप सामने देख रहे हैं, ये है किला। यहाँ का नाम इसका पता नहीं है मुझे, लेकिन किला है। चाय पीते थोड़ा, ज़्यादा छोटे नहीं हुए यार? हाँ ज़्यादा छोटे हुए यार, वहाँ बड़े थे, थोड़ा पीछे जाओ। पता नहीं कितने का दे रहे हैं, 5 का दे रहे हैं, 10 का दे रहे हैं, पूछते हैं फिर इसके बाद। साफ है, अच्छी है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, कम लोग हैं। चाय पता कितने की थी? चाय थी वो 5 रुपए की चाय थी यार, मुझे लगा 10 रुपए की, तो उस हिसाब से गिलास बहुत छोटे लगे। हाँ 5 रुपए की चाय थी, रुपए वापस दिए तो हाँ ठीक है, सही था, वापस दिए तो 5-5 रुपए की चाय ठीक है यार, स्लीपिंग बैग यही लगाएंगे। तो यार अभी तो है कुछ सीन ऐसा, नागौर अभी है लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास, तो यहाँ पे अब कुछ बोल रहे हैं भाई जी, कुछ खाने वाली चीज़ होती है, दिखाता हूँ आपको। ये है, इन्हें बोलते हैं बोर, तो अगर आप जीवन में बोर हो गए तो बोर खाओ, ये मस्त टेस्ट आ रहा है इसका। बाकी आप व्यू देखो मेरे पीछे, देख रहे हो कोई गाड़ी नहीं दूर दूर तक, और बादल तो ऐसा लग रहा है जैसे मेहरबान हो रखे हैं आज। ये देखो आजल कर में कल दिखाई रहा था, गूगल में आ रहा था, 2 दिन बादल रहेंगे, और अभी हमें जाना है नागौर। नागौर में फिर वहाँ से जाएंगे श्री बालाजी गांव में, एक लड़का है, कोई दोस्त है हमारा, उससे मिलते हैं, फिर वहाँ से आगे का ट्रिप प्लान करेंगे, तो देखते हैं। अभी तो यहाँ पे यार वो नहीं होते आपके मरुस्थल वगैरह स्टार्ट हो गए यहाँ सारे, मस्त लग रहा है भाई। थोड़ा एक बार रियर कैमरे से दिखाता हूँ आपको। पहली बार जा रहे हो ना जैसलमेर? हाँ पहली बार, मैं पहली बार, और भाई नेरी देखो, ए दोनों भाई भाई बिल्कुल नोमेड वाला फील आ रहा है यार, मतलब मजा आ गया। रात को भी वैसे ही मतलब सीन हो गया सोने का, सही लग रहा है, मस्त मजा आ रहा है एकदम से। पता है हमारा खाने में कितना हुआ था? 100 रुपए में दोनों का खा लिया और सो गया। 100 रुपए में दोनों का पूरी डिनर, ऐसा नहीं है कि कंजूसी करी हो, लेकिन हो गया था बढ़िया से, सब्जी और रोटी 5 रुपए रोटी दी थी उन्होंने, हो गया था बढ़िया से। और अभी हम नागौर से फिर आगे एक दोस्त है उसके पास जा रहे हैं, शायद हो जाएगा तो वहीं पे जाएंगे, तो ठीक है देखते हैं ना। अब धूप भी आने लगी सर? हाँ धूप आ रही है, अब धूप निकल रही है।
छोटे छोटे सेब की तरह नहीं लग रहे, छोटे छोटे जैसे सेब के मिनिएचर होंगे जैसे। ये अपनी धनो है, पूरा लगेज लगा रखा है, इस तरह से पैक कर रखा है। और बाकी एक बैग पीछे है, बैग पैक है जो, वो ये है। यहाँ मेन दिक्कत पता क्या है, यहाँ यार पानी नहीं होने की वजह से ना कृषि भी नहीं कर पाते ये लोग, ये यहाँ की बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। चले भाई,